आज की वीडियो में ना आपको एक ऐसा ऑफर बताऊंगा जिसकी हेल्प से आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपके पास अगर सारी डिटेल जो जो मांगा जाता है वो सारी डिटेल्स हैं, उसके बाद ही आप ऑफर को अप्लाई करना, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग प्रूफ देखो, मैंने ऑफर को कम्प्लीट किया था जिसकी वजह से मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया था एंड जो भी ये पेमेंट है मुझे रिसीव भी हो गया था, ठीक है। एंड एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो है ये कोई ऑफर वगैरह नहीं है, एक सिंपल सा कैंपेन है। अगर आप कैंपेन को जैसे मैं बताऊँगा प्रोसेस बाई प्रोसेस करोगे, आपको भी कैशबैक मिल जाएगा। सबसे पहले ना कैंपेन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ना आपसे UPI ID आपकी मांगी जाएगी, तो सिंपल है जिस भी UPI में आप पेमेंट है लेना चाहते हो UPI ID फिल कर देना एंड फिल करने के बाद नीचे देखो सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो जिस भी मोबाइल नंबर से आप स्टॉक में रजिस्टर करना चाहते हो तो मतलब मोबाइल नंबर आपको डाल देना है एंड ओपन फ्री डीमेट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे एक वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, आई एम नॉट अ रोबोट, तो मतलब वेरीफाई पे क्लिक कर देना, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना एंड जो भी OTP है OTP डाल के सिंपल सा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपका देखो सिंपल सा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंडो क्या करना है, यहाँ पे एक ईमेल ऐड करने का ऑप्शन आएगा एंड कंटिन्यू विद गूगल कंटिन्यू विद ईमेल, आपको नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कंटिन्यू विद ईमेल एंड उस पे क्लिक करने के बाद जो भी ईमेल आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो सिंपल आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है एंड वेरीफाई विद OTP पे क्लिक करके आपकी ईमेल पे एक OTP आएगा, OTP भी डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग भर देना, मैरिड अनमैरिड जो भी आप है अपने अकॉर्डिंग फिल करके सबमिट करना, उसके बाद दोबारा से कंटिन्यू करना। उसके बाद ना आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंड नाम पूछा जाएगा जो आपका नाम पैन कार्ड में है, ठीक है। तो सिंपल सा जो भी आपका नाम है पैन कार्ड में नेम फिल कर देना, उसके बाद सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ में आप सिंपल सा अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना। इतना फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे जो भी एड्रेस है आपका आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आपसे एक सेल्फी मांगी जाएगी, तो सिंपल सा टेक अ फोटो पे क्लिक करना एंड आपके जब सर्कल में रेड लाइन हो तो सिंपल सा कैमरे को थोड़ा सा पीछे करना एंड जब ये ग्रीन लाइन आ जाए उसके बाद नीचे सिंपल सा कैप्चा का बटन है, कैप्चा पे क्लिक करना, आपका जो भी सेल्फी है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड मैनुअली बैंक, ठीक है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, जो भी आपकी बैंक डिटेल है सिंपल से फिल करके सबमिट करना, जो भी आपका बैंक है सिंपल से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे दोबारा से आप लोग क्लिक करना एंड जैसे आप लोग इतना करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड आपसे जो भी आपके सिग्नेचर है वो मांगे जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट पे क्लिक करना एंड जो भी सिग्नेचर है आप जैसे भी करते हो सिंपल से यहाँ पे सिग्नेचर कर देना, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना एंड उसके बाद एक्टिवेट ऑल सेगमेंट्स, ठीक है, सिंपल इस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल क्लिक करना है, आई एम अंडरस्टूड एंड इसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ प्रूफ मांगा जाएगा, तो इसको नीचे डू इट लेटर का ऑप्शन है, तो डू इट लेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू करना एंड नॉमिनी ऐड करने के लिए बोलेगा, उसमें भी आप डू इट लेटर कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग इतना करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा एंड यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन के लिए कहेगा, ठीक है, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, आई हैव रीड पे आपको सिंपल क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको आधार की आपकी जो भी UID है आधार का जो नंबर नीचे लिखा होता है सिंपल नंबर यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक करना एंड जो भी आधार कार्ड आपके जिस नंबर पे लिंक होगा उस पे एक OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करो, आपका जो भी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको 5 सेकंड देंगे एंड आपका जो भी रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद बैक आएंगे, दोबारा कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगी आपका एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो भी अकाउंट है वो आप 24 to 48 hours में अप्रूव हो जाता है। जैसे आपका अकाउंट अप्रूव होता है इंस्टेंट के इंस्टेंट जो भी आपने UPI स्टार्टिंग में दी थी उस UPI पे 100 रुपीज़ रिसीव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आने में 24 to 48 hours लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया। एंड अगर आपके पास ये सारी डिटेल जो जो यहाँ पे मांगी जाएंगी, अगर सारी डिटेल्स हैं आप सिंपल सा कैंपेन को अप्लाई कर सकते हो, 100 रुपये का आपको फ्लैट कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है।